हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वो मैं बहुत दिन से सोच रही थी और ये मेरे काम का है। तो मेरे यहाँ पे जो बाल देख रहे हो ना, वो आप समझ सकते हो कितने कर्ली हैं और बहुत ज़्यादा रफ भी हो गए हैं। तो यहाँ मेरा चार्ज भी लगा हुआ था। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपना हेयर स्ट्रेट करवाऊँ, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं। ये लेंथ भी देख सकते हो आप मेरे बालों का, कितना ज़्यादा लेंथ है, कमर तक के बाल है लेकिन बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो आज के दिन मेरे हस्बैंड का छुट्टी भी था, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा हेयर स्ट्रेट करवा देते हैं, बहुत दिन से तुम सोच भी रही हो। तो ये यहाँ पे अपना बाइक निकाल रहे हैं और मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। तब तक वो अपना गाड़ी साफ़ कर रहे थे, मैं दो हेलमेट लेके खड़ी थी। और मैं जहाँ जा रही थी ना, वो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, नज़दीक में ही था। वो अराउंड 5 to 6 किलोमीटर होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर मैंने हेलमेट वेलमेट पहन लिया और उन्होंने भी पहन लिया था, और हम लोग अब रेडी हैं जाने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जावेद हबीब, जो कि एक अच्छा ब्यूटी पार्लर माना जाता है। उनका जो ब्रांड है, तो आप सब समझ सकते हो कितने अच्छे लेवल का वहाँ पे होता है हर काम। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही थी, तो मैं कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करूँ, यही मेरा था। तो ये रहे मेरे बाल, जो कि इतने रफ़ लग रहे हैं, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा रफ़ लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पतले भी हो गए। मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा घने थे, लेकिन बाल का सत्यानाश हो गया, हेयर फॉल हो के इतना कम हो गया कि क्या बताओ। फिर यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरा हेयर को वॉश किया, 3 से 4 बार उन्होंने हेयर वॉश किया होगा मेरा। और सच बताऊँ गाइज, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जब वो हेयर वॉश कर रहे थे। मुझे लग रहा था मैं वहीं सो जाऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मतलब रिलैक्स लगता है ना जब कोई हेड मसाज या फिर कोई कुछ भी मसाज वसाज करते हैं या फिर हेड वॉश करते हैं, तो ऑब्वियसली नींद आती ही है। तो वॉश करने के बाद वेट बालों में ही मेरा उन्होंने हेयर कटिंग किया। जो भी नीचे के जो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, उनको उन्होंने कट कर दिया, हेयर कट कर स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्स्ट्रा उसमें क्रीम क्यों लगे जब उनको निकालना ही है। तो मुझे लगा था वो बहुत कम बाल काटेंगे, पर मेरे थोड़े ज़्यादा बाल काट दिए। ऐसा ही होता है जब भी कोई पार्लर जाओ, और वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बाल ना कटे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो थोड़ा सा आप ही ध्यान रखिएगा। तो ये जब हेयर काटने के बाद उन्होंने पहले ड्राई किया और उसमें क्रीम लगाया। मैंने केरा स्मूथिंग करवाया था, केराटिन का कोई क्रीम लगाया हुआ आई थिंक। इसके बाद वो उन्होंने प्लास्टिक का कवर लगा दिया, मेरे मतलब हेड को कवर कर दिया पूरा। और मैंने ना थोड़ी मेहंदी वेहंदी लगा कर रखी थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। इस स्टेप को करने में मुझे वेट करना पड़ा अराउंड 1 आवर। मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। मैं उनको बोल भी रही थी कि आप थोड़ा सा बाहर घूम के आओ मॉल, बट वो मेरे लिए वेट ही कर रहे थे। तो वहाँ पे हम लोगों को ऑफ़र किया गया कॉफ़ी, और जो आप जा मतलब ले सकते हो, टी कॉफ़ी कुछ भी। तो मैंने कॉफ़ी पिया, और ये लगभग 1 घंटे मुझे कैसे कटे मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ। ये प्रोसेस ना बहुत पेनफुल होता है, मतलब जब वो ड्राई करते हैं ना, ड्राई करते समय वो जब स्ट्रेट करते हैं बाल को, तो जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये ना स्ट्रेट कर रहे थे, तो इसमें ना बाल बहुत ज़्यादा खींच रहे थे मेरे, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी लग रहा था मुझे। और दो लोग मिल के कर रहे थे, कोई इधर से कोई बाल को ड्राई कर रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, मतलब इस टाइप से थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही थी, मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। फिर से उन्होंने मेरे वो हेड को वॉश किया, फिर से कोई क्रीम लगाया, मेरे बालों में 2 टाइम क्रीम लगा। और ये लास्ट प्रोसेस है, इसमें मेरे बाल को पूरी तरह से अभी वॉश कर दिया गया है 3 से 4 बार, और फिर से वो ड्राई करेंगे। एंड यहाँ पे यू कैन सी माय फेस, कितने मतलब मैं कितने इरीटेट हो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बहुत स्कैल्प से जो बाल खींच रहे थे ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो खैर, मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही थी, तो मुझे थोड़ा बहुत, तो अब अच्छे बाल चाहिए तो थोड़ा बहुत कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा बाल ये रहा, और ये देखिए कितने स्ट्रेट हो गए यार, कितने सुंदर लग रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि ये मेरे बाल हैं, आई कॉन्ट बिलीव। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 दिन बिल्कुल भी कुछ मत करना, मतलब उसमें क्लिप व्लिप कुछ भी मत लगाना, थोड़े से इसको बेंड होने से बचाना, और आप 2 दिन के बाद आ जाना फिर से। तो ये मैं जब निकली ना वहाँ से, मॉल से, तो मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो ले रहे थे,
और मैं बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझसे ज़्यादा तो वो खुश थे क्योंकि वो बहुत चाहते थे कि मेरा बाल स्ट्रेट हो जाए, काफ़ी दिनों से वो मुझे बोल रहे थे। क्या लग रहा है हमको, ये कोई और रश्मि आ गई है। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं और वहां पे बोला गया है कि एटलीस्ट 2 दिन के लिए, ऐसे भी नहीं करना है, मतलब मोड़ना भी नहीं है, ना ही थोड़ा भी भिगाना भी नहीं है, और सोते समय भी ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा मुड़ना नहीं चाहिए, मुड़ेगा तो प्रॉब्लम है। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। खैर बाकी का रिज़ल्ट तो आएगा परसों, क्योंकि उस दिन हम लोग फिर से जाने वाले हैं हेयर वॉश करने के लिए, फिर से उस दिन हम लोगों को बुलाया गया है, तो आई मीन मुझे बुलाया गया है, तो मैं जाऊंगी परसों फिर से। और काफ़ी दिनों से सोचते कि करवाना है, फाइनली करवाया, और अब तो मैं कहीं भी बाहर जा सकती हूँ हेयर खोल के। और कहीं भी जाती थी ना, पहले मेरे जो बाल थे ना, वो पहले मैं खोल के जाती थी तो थोड़ा फैल जाते थे क्योंकि कर्ली हेयर था, लेकिन अब ये स्ट्रेट हो गया तो मैं जा सकती हूँ कहीं भी। तो मिलते हैं बाय। अभी मेरे हस्बैंड खाना लेने गए हैं, क्योंकि पता है ये जो प्रोसेस करने में 5 घंटे का टाइम लग गया, समझ रहे हो आप, 5 घंटा कम नहीं होता। हम लोगों ने सोचा कि 3 घंटे में हो जाएगा आराम से, पर इतना टाइम लग गया कि क्या बताएं। फिर टाइम पता है क्यों लगा, क्योंकि मैं पहले ना अपने बालों में मेहंदी लगाती थी, तो मेहंदी लगाना बालों के लिए सही नहीं होता, बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे बाल थोड़ा सा ग्रे हेयर आते हैं, तो उसको कवर करने के लिए मैं लगाती थी, थोड़ा कलर करने के लिए। मेरा ट्राइपॉड टूट गया है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो लेने में, तो अभी मैं कुकिंग वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, मैं क्या करूँ, अभी दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा, वो मंगवाना पड़ेगा, तो ही मैं कुछ सूट कर सकती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जब उन्होंने मुझे हेयर वॉश करने के लिए बुलाया था, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे छोड़ के चले गए थे वो ऑफिस, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। फिर उस दिन भी हेयर वॉश हुआ एक बार, और दोबारा से उन्होंने स्ट्रेट किया मेरे बालों को, तो फाइनल लुक ये रहा, और इसके बाद मैं आराम से कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब बालों को क्लिप भी लगा सकते हो, पोनीटेल भी बांध सकते हो, कुछ भी। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने बालों को लेके, और अच्छा रिज़ल्ट आया। फिर मैं बाहर आई और वेट करने लगी बस का, क्योंकि इधर से जाते वक्त तो मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा, तो बगल में ही बस स्टैंड था, वहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने को, मैं जा रही थी। आराम से मुझे बस मिल गई और मैं वापस रूम पे आ गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रूम पे। आज मेरा हेयर वॉश का दिन था, क्योंकि परसों गए थे हम लोग, तो आज के दिन बुलाया गया था, तो हम लोग गए थे। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और आज ये बाल ना मुझे इतने सॉफ्ट लग रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, आराम से मैं ऐसे उंगलियों को निकाल सकती हूँ, पहले मैं नहीं कर पाती थी, मेरा बहुत ज़्यादा बाल उलझते थे, तो लेकिन अब ठीक है। और पता नहीं कैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि हेयर स्ट्रेट करवाऊँ, और फाइनली मैंने करवा लिया। और ये सिंदूर मैंने जस्ट अभी लगाया, क्योंकि वहाँ पे बाल धुलने की वजह से ना वो मिट गए थे, तो मैंने रूम आके सबसे पहले यही काम किया, और बहुत सारे प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ रहे थे मुझे उस दिन से, कि ठीक से सो, ऊपर से बाल में थोड़ा सा पानी नहीं जाना चाहिए, डस्ट नहीं जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़। अब मैं आराम से कुछ भी कर सकती हूँ, बाल को बांध भी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, क्लच भी लगा सकती हूँ। तो अब मैं बाकी काम कर रही थी, मेरे बहुत सारे काम अभी पैकिंग बचा हुआ है घर पे। मैं उठते ही खाना बना के सीधे चली गई थी ब्यूटी पार्लर। फिर तो मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।